हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे अच्छे से बेहतर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपना चल रहा है एसएससी जीडी का सेट टू, हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज सेट थ्री है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। हम सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे दो सेट हो चुके हैं, ठीक है। आज कौन सा नंबर का सेट है? ये थर्ड नंबर का सेट है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और ये क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी हमें ये सेट खत्म करना है, ठीक है ना? फालतू की बातें नहीं, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना? और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल होगी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 25 जून 2015 को खाली स्थान को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। बताइए वो कौन सी योजना है? वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, या फिर ओ स्मार्ट योजना। तो 25 जून 2015 को कौन सी योजना शुरू की गई दोस्तों? तो दोस्तों शुरू की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे क्या गरीब लोगों को शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रदान कराना, आवास प्रदान कराना, यानी कि रहने के लिए जगह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? लुसोफोनिया खेल, जैसे आपका राष्ट्रमंडल खेल वगैरह होता है, उसी तरीके का होता है जिसमें सारे देश शामिल होते हैं। बताएंगे पुर्तगाल, मकाऊ, जर्मनी या फिर भारत। कौन सा नहीं है इसमें से, कौन सा देश का हिस्सा नहीं है? जर्मनी इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी 1980 के दशक में? बताएंगे 38.6%, 18.6%, या फिर 58.6%, या फिर 78.6%। तो क्या थी भागीदारी, कितनी थी? 38.6%, ठीक है, आरबीआई के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? कौन सी? माँ कामाख्या देवी के मासिक धर्म को चिन्हित करता है। बताएंगे वो कौन सा मेला है? अंबुवाची मेला, मोत्सु मेला, या बंगला मेला, या फिर चापरकूट मेला। तो ये आपका है अंबुवाची मेला, ठीक है। कहाँ होता है ये? असम के गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में ये मेला आयोजित किया जाता है। 4 दिन तक ये मेला चलता है। कौन सी मैया? कामाख्या देवी मंदिर को ये क्या कर, उनके मासिक धर्म को चिन्हित करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान उद्योग ट्रांजिस्टर टेलीविजन सेट से लेकर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। बताएंगे कौन कवर करता है? नहर सिंचाई, उर्वरक, या फिर जूट प्रसंस्करण, या फिर इलेक्ट्रॉनिक। अब देखेंगे ट्रांजिस्टर और टेलीविजन सेट किसमें आएगा, क्या कवर करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख कहाँ पर है आपके? अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि छुआछूत, ठीक है। बताएंगे किसमें उसकी चर्चा है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 17, या अनुच्छेद 32 में। तो ये किसमें चर्चा है आपकी? अस्पृश्यता उन्मूलन की अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में भाग 3, मूल अधिकार,
मूल अधिकार, पाठ मूल अधिकार, ठीक है, जिसमें आपके 14 से लेके 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जून 2021 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फोर निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ग्रैंड प्रिक्स फोर कहाँ पर आयोजित किया गया था 7 जून 2021 को, बताएंगे जालंधर, लुधियाना, अमृतसर या पटियाला? कहाँ किया गया था? पटियाला में ये किया गया था आयोजन, ठीक है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो लौ का रंग कैसा हो जाता है, कैसा होगा? हरा, नीला, पीला, सफेद, लाल, कैसा कैसा होगा? सफेद हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित चार में से तीन सीलेट्रेडा फाइलम के उदाहरण हैं और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, बताएंगे ब्रैन कोरल, सी एनिनॉन, एनिमन या फिर लीवर फ्लोक या फिर सी पेन? इसका आंसर होगा लीवर फ्लोक। अगला क्वेश्चन देखें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन, खाली स्थान, जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, खाली स्थान, किसकी स्थापना की, बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आदु आदि हिंदू समाज या फिर वेदांत समाज, आदि धर्म समाज या आर्य समाज? किसकी की थी? आर्य समाज की थी, ठीक है। स्थापना की थी कब की थी? 1875 में। कहाँ पर? बॉम्बे में की थी। हिंदू धर्म सुधार में सुधार करने के लिए विधवा पुनर्विवाह में समर्थन इन्होंने किया, है ना, विधवा पुनर्विवाह में समर्थन किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहन करना इन्होंने किया। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था, क्या? रेडियो प्रसारण 1923 में खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था, बताएंगे लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे या फिर रोटरैक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे या रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे? क्या आंसर होगा? आंसर इज रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया और कब? 1923 में, ठीक है, जून 1923 में। 1927 से ये प्रसारण शुरू हुआ। रेडियो प्रसारण क्या हुआ? शुरू हुआ 1927 से, ब्रिटिश काल के दौरान ये काम हुआ था 1923 में। और इसके अलावा बात करेंगे 1957 में इसका नाम रेडियो प्रसारण से चेंज करके क्या रख दिया गया? आकाशवाणी रख दिया गया, आकाशवाणी। पहले रेडियो का बहुत ज्यादा चलन था, पहले ये फोन वगैरह नहीं होते थे, क्या होता था, रेडियो अकेला होता था। आप अपनी मम्मी वगैरह से पूछेंगे तो उनको शौक होता था सुनने का, बहुत लोग इस पे प्रसारण आते थे, विज्ञापन के साथ साथ इसमें लाइव कभी कभी आता था, बातें करते थे जिसमें, सुनाते थे, कोई रेसिपी वगैरह बताते थे, है ना, कोई सॉन्ग हमें सुनाया जाता था, गाने सुना सुनते थे, गाने ज्यादातर सुनते थे रेडियो पर सभी लोग, है ना।
निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन पहली बार किसने कहा इनको? भारत का नेपोलियन वी स्मिथ द्वारा क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। और भारत का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। भारत का साम्राज्यों में स्वर्ण काल, साम्राज्य सबसे अच्छा जो साम्राज्य था वो किसका था? यही गुप्त वंश का। भारत का स्वर्ण काल। गुप्त काल। बहुत अच्छे अच्छे पराक्रमी राजा हुए हैं इसी को, है ना? आपका चंद्रगुप्त प्रथम भी बहुत प्रतापी शासक था, द्वितीय भी, है ना, और समुद्रगुप्त भी। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय खालिस्तान को एक कारक के रूप में लिया जाता है। बताएंगे निर्यात, बिजली बिल, या रसायन का प्रयोग, या सड़क निर्माण? किसको लिया जाता है कारक के रूप में? निर्यात को लिया जाता है। चलिए आगे। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? बताएंगे राधा श्रीधर, या फिर पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री, या फिर माधम्बी सुब्रमण्यम नंबूदरी, या फिर अखम लक्ष्मी देवी? तो ये किसने जीता 2018 में? राधा श्रीधर ने ये जीता था। भरतनाट्यम कहाँ का है आप जानते होंगे? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव पर नियंत्रण अधीक्षण निर्देशन के बारे में बताता है? बताएंगे अनुच्छेद 324, 356, 367, या 333? तो किस क्या बताता है? अनुच्छेद 24 ये बताता है, ठीक है। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? बताएंगे अनिल बैजल, मनोज सिन्हा, अरविंद केजरीवाल, या फिर विनय कुमार सक्सेना? क्या आंसर होगा? आंसर दीजिए फटाफट, बताइए कौन थे? विनय कुमार सक्सेना। चलिए ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से था? भरतनाट्यम, ओडिसी, या फिर कथक, या कुचिपुड़ी? तो कहाँ से? भरतनाट्यम से इनका संबंध था। ओडिसी ओडिशा का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक। भारत में प्रत्येक खाली स्थान में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। कितने वर्ष में की जाती है भारत में जनगणना? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, या फिर 15 वर्ष? तो कितने वर्षों में की जाती है? 10 वर्षों में। 10 की जनगणना हमारे भारत में की जाती है। सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? 1872 में की गई थी। नियमित जनगणना कब की गई थी? नियमित जनगणना ये पहली, ये नियमित 1881 में की गई थी। 1881 में की गई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पर, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। फिर
ये लॉर्ड रिपन के टाइम पर की गई थी और ये वाली लॉर्ड मेयो के टाइम पर, लॉर्ड मेयो के टाइम पर, ठीक है ना। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जानते हैं 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, और 1951 की जनगणना क्या थी, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। हम इसके बाद से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट आपकी कब हुई थी, 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी पर कोरोना के कारण नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, ये कौन सी होगी बताएंगे, 51 से हिसाब लगेगा, 51, 61, 71, 81, 81 हो गया, फिर 91 हो गया, फिर आपका 2001, फिर 2011 हो गया, तो कितने हो गए, सात हो गए, है ना। सातवीं जनगणना थी ये, कौन सी थी, सातवीं जनगणना थी, सातवीं जनगणना 2011 की थी, ठीक है। वैसे अगर यहाँ से गिनेंगे तो कौन सी होगी, 15वीं नंबर की जनगणना होगी। तो अब कौन सी होगी, इधर से 16वें नंबर की और इधर आपकी कौन सी, 8वें नंबर की। आगे चलते हैं, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया था, बताएंगे किसने किया था, हरदीप सिंह पुरी, डी थारा, मनोज जोशी, कौशल किशोर। ये सब आपको पता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सेट नंबर 3 है, ठीक है, सेट नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है और जीडी का फॉर्म भर दिया है ना, तो क्या करो, ये 75 76 जितने भी सेट है ना, ये 75 76 जितने सेट है, रट लो उनके क्वेश्चन, उनके आंसर रट लो आप, ठीक है ना। इससे क्या होगा, पिछले साल के जो पेपर से इस साल का पेपर बहुत ज्यादा फंसता है, ठीक है। तो बताएंगे किसने किया था लॉन्च, हरदीप सिंह पुरी ने किया था, हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। बहते पानी के खालिस्तान, बहते पानी के पार एक अवरोध है जो बाधा डालता है, निर्देशित करता है या रोकता है पानी को, ठीक है। बताएंगे सहायक नदी रोकती है, खाई रोकती है, बांध या घुमावदार, क्या रोकती है, बांध रोकते हैं, है ना। बांध किस लिए बनाए जाते हैं, पानी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं छोड़कर जा रही हूँ आज की क्लास में, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध, कौन सा है, कहाँ देना है आंसर, कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका आंसर सही होगा उसका पिंड किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो आंसर सही होगा मैं वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, और किसने सही दिया उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी, स्क्रीनशॉट जहाँ लगाया जाएगा पहले ही नंबर पर। तो आज का जो सेट है वो कंप्लीट हो चुका है, 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे जीके जीएस से, जिसमें पूरे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ आता है ना। चाहे दो क्वेश्चन आए लेकिन दो दो क्वेश्चन, दो दो चार चार क्वेश्चन इस तरीके से आपके आते हैं, ठीक है ना। आज कितनी तारीख हो गई, 23, कल इसका फॉर्म आने वाला है 24 तारीख को, तो पहले ही भरवा लेना, नहीं तो फिर साइट जो हो जाएगी स्लो हो जाएगी, फिर आप क्या है भरवा नहीं पाओगे, है ना, लेट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही आप भरवा लेना, कल आपकी वैकेंसी, कल आपकी फॉर्म भरे होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा, बिल्कुल भी भूलना मत। और स्टैटिक जीके की हमारी क्लास मैं आपको ले ही रही हूँ, हिस्ट्री की PYQ भी हमारे चल रहे हैं, कंप्लीट हिस्ट्री भी आपकी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, मैंने आपको क्वेश्चन उसमें कराए हुए हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी ही, तो पढ़ते रहिए, तैयारी को बेहतर करते रहिए, कैसी लगी वीडियो लिखते रहिए, और पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू।